योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन में मन और शरीर के अभ्यास के रूप में जाना जाता है। योग में विभिन्न शैलियां, शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीक और ध्यान या विश्राम को जोड़ती है। बीते हाल के वर्षों में ही योग ने शारीरिक व्यायाम के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया है। योग आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है, जो मन और शरीर के बेहतर नियंत्रण और कल्याण को बढ़ाता है। 2015 से हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों? तो इसका उत्तर है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। मेरे लिए योगा से बहुत फायदा है। मुझे योगा में चलते 10 साल हो गए। मेरी आंखों की रोशनी में भी फर्क है। चश्मा लगाती थी पहले, मैं चश्मा मैंने हटा रखा है। डॉक्टर ने कह दिया जमीन में मत बैठो, अब मैं जमीन में तुम्हारे सामने बैठी आसन कर रही हूँ। मेरी कमर में दर्द रहता था, घुटनों में रहता था, लेकिन योगा से मुझे बहुत फायदा है। मोदी जी ने जैसे ये चलाया है 21 जून का, अब 21 जून को हमारा फिर दोबारा प्रोग्राम होएगा हमारा, तो जब से हमारे बदलाव आया है संख्या बढ़ी है हमारी। योगा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? डॉक्टर लोग बताने लगे आजकल, तो हम तो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर लोग कहने लगे सब योगा करो। नहीं, कहीं भी कर लो योगा, पर करो खुले में पकड़ो। नहीं, आपको इंस्ट्रक्टर के साथ कोई सिखाने वाला होना चाहिए या फिर अपने आप ही जो मर्जी योगा करें? सिखाने वाला होना चाहिए, थोड़ा सा गुरु होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमारा है, हम बैठते आगे बंदी पीछे बैठते, सिखाने में थोड़ा ही है, हम बोलते रहे वो करते रहेंगे। इकले में मन नहीं लगता या करते भी नहीं है, जैसे बड़े बूढ़े हम जैसे पे वो यूट्यूब नहीं है या वो नहीं है लैन, तो हम सब बोलते रहते हैं करते रहते हैं।